हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आज हम बहुत ही स्पेशल ऑब्वियसली वीडियो रिएक्ट करेंगे। ऑब्वियसली लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक इन पाकिस्तान एंड ही इज बीन लाइक डूइंग ऑल दिस स्टफ जो वो करते आ रहे हैं बहुत सालों से, जो कि है क्वेश्चन आंसर Q&A, जो कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनसे पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन ऑफेंड करते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर उनका सुनने के बाद लोग कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में। ओके सो आज पूछेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसका नाम है यशमा गिल, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, चैलेंजिंग क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन शी आस्क्ड। एंड समय टीवी की ये वीडियो है जहां से हम देख रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करें, लिंक उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एंजॉय एंड लर्न। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ाइक। वालेकुम सलाम। आपका नाम और आपका पेशा? माय नेम इज यशमा असद गिल एंड आई एम एन एक्ट्रेस। आपका नाम क्या? यशमा असद गिल। यशमा असद गिल। यशमा असद गिल। जी हां। ओके आई नो द टाइम इज लिमिटेड। यार एक चीज, मैं प्रॉपर प्रॉमिस आई वोंट स्टॉप वीडियो इवन लाइक एक बार भी रोकेंगे। पर जो गिल टाइटल है, पाकिस्तान में गिल लोगों को टाइटल है सरनेम गिल, पंजाब में सिख जट कम्युनिटी का कम्युनिटी बताने के लिए। हां पाकिस्तान में भी तो है, चीमा भी है, चहल भी है, सब नहीं पर मुस्लिम लोग हैं, वो मुस्लिम में सेम प्रोसेस हो गया, सब है उधर, सब कन्वर्टेड है। नहीं वो बोलते इस्लाम में है सरनेम। इन माय जर्नी सुनने दी मैडम जी। अशमा असद गिल जी हां। ओके आई नो द टाइम इज लिमिटेड बट आई रियली वांट टू एड्रेस योर कंट्रीब्यूशन इन माय जर्नी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ एथियिज्म बैक इन द डेज व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज योर वीडियो एंड योर लेक्चर दैट brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that and thank you for coming to my country and especially my city. You've been and you are my I'm really shaking right now. I'm so sorry. You're okay. So the question is pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. Mm-hmm. But at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and jinnat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अब कुछ अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियिज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कसर सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुभान व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है, आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुबहाना व ताला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। ये सवाल लाइक द मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन एवर। Yes. मैंने भी सोचा ये बात। तो अगर सब कुछ पहले लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल काफिर लोग हैं, उनका लिखा भी तुम काफिर हो, बट हमारी उसमें लोगों की क्या गलती? वो हमारी किस्मत में है, लाइक यस वी वांट इन अनदर रिलीजन, हमने कुछ और सीखा है, तो इसमें गलती क्या है? बट हो सकता है इस चीज का लोग एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, मतलब इस चीज का फिर लोग फायदा भी तो उठा सकते हैं, सॉरी पाकिस्तान बोल दिया, कि जैसे चोर लोग हैं वो फायदा उठाएंगे, हमारे लिए किस्मत में, वही तो क्वेश्चन है, फिर करेंगे, वही तो क्वेश्चन है, लेट्स सी, इस चीज का फायदा भी तो उठा सकते हैं लोग। यस ऑफ कोर्स, बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा ना दे दे मुझे मैं काफिर हूं। अल्लाह सुभान व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे
333 बार, 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है, पहले 33 बोला था ना, कुल काल तीनों ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल उनसे कहो, यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है, 323 टाइम्स पूछा गया ये क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल कहो कुल, उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद, तो ये कुल जो है सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं या हमारा ईमान है, तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूँगा, मैं किसका कत्ल करूँगा और मैं कत्ल करता हूँ, तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ, कौन जिम्मेदार, अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है, और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में पहले शुरू किया तो ये गाइस मैं बता दूं हमारी वीडियो प्रॉब्लम नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो ही ऐसी है, बहुत परेशान कर, किसे पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं, जवाब मिला फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूँगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, एक साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होएगा, माफ करना आपको मिसाल बोल रहा हूँ, कल मिसाल है, और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रेडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रेडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया, क्या वो बोल सकता है ऐसा, हाँ क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, जहीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हुकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था, ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती है। इसी तरीके से अल्लाह सुभान व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है, अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। यार ये कितना खराब कर रही है, इरिटेट हो रहा हूँ इस वीडियो से, क्या कर रहा है ये, इतना क्यों ब्लिंक कर रही है, रिफ्रेश करूँ क्या वीडियो को? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाय, क्या स्टूडियस है, ऐसे ही बराबर होमवर्क करता है, वो चार में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर एक नायब है, आला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है, अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पर चौराहे, वो चार में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर एक सड़क, नंबर दो सड़क, नंबर तीन, नंबर चार, वो चुनता है नंबर दो सड़क, चॉइस किसकी, चॉइस किसकी, इंसान की, हाँ क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, लेकिन अल्लाह सुबहाना उताल को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास चार चॉइस थे, सड़क नंबर एक, सड़क नंबर दो, सड़क नंबर तीन, सड़क सड़क नंबर दो चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे 1:15 बजे सड़क नंबर दो पे चुनेगा। तो सड़क नंबर दो किसने चुना, अल्लाह ने या क्या इंसान ने, अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना, इंसान ने चुना, तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान, अल्लाह या इंसान, इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी, वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है, कौन जिम्मेदार, इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है, वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि
ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए, वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते हैं। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन, इंसान, लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है। तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे, ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है। क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, और अल्लाह सुभाना व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से, आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा, तो कौन जिम्मेदार, इंसान। बट मुझे ना एक चेक करते हैं अभी, मुझे ना एक चीज़ पूछनी है अभी, लाइक हाउ, लाइक भगवान को पता कैसे चीज़ की जो ये बंदा है ये सब करने वाला है ऑलरेडी, लाइक अल्लाह राइट, उनको पता कैसे कि ये काम ये करने वाला है बंदा। सो इससे पहले हम चैट जीपीटी देते हैं, टू इस्लाम बी ई एल आई बिलीव, स्पेलिंग इग्नोर करें, ओके बी ई एल आई वी बिलीव, नहीं मैडम जी, मैडम जी मेरी हर चीज, अच्छा अच्छा, डू इस्लाम बिलीव इन रीबर्थ, मुझे एक चीज चेक करनी है पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इस्लाम बिलीव इन रीबर्थ, इस्लाम डज नॉट बिलीव इन रीबर्थ बेसिकली, इंस्टेड इट टीचेस दैट आफ्टर डेथ इंडिविजुअल आर जज्ड बाय गॉड एंड सेंड टू आइदर पैराडाइज और हेल बेस्ड ऑन देयर डीड्स एंड फेट ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइक पूरा अर्थ लाइफ, ठीक है। दिस कंसेप्ट ऑफ एन आफ्टर लाइफ इज द सेंट्रल जेंथ ऑफ इस्लामिक बिलीव, इन contrast the idea of reincarnation where the soul is reborn into a new body is closely associated with religious Hinduism and Buddhism. I know that, like Hinduism ka mujhe pata, phir wo kaise pata agar like main jo unki like I agree with him jo baat hai, but the thing is I'm saying ki मैं ना थोड़ा कन्विंस नहीं हो पाया, लाइक गलत बात नहीं है ऑब्वियस, लाइक अगर मैं नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, ओके सो क्योंकि ना तो होया क्या, क्योंकि मुझे लगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, लाइक उसको कुछ पता ही नहीं है, लाइक उसका दिमाग, दो बच्चे पैदा हुए उनका दिमाग बिल्कुल बराबर होता है उस टाइम, कुछ नहीं, और उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, उनके जो जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी उनके जीन्स आते हैं, उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है आगे लाइफ में, राइट। पर हाउ अल्लाह डिसाइडेड कि ये नहीं ये करेगा, ये नहीं ये करेगा, ये करेगा, पहले कैसे पूछेगा ये चीज़, उसका लड़की का क्वेश्चन जो क्या नाम था, याशमा गिल का नहीं, आंसर उन्होंने ये दिया है कि पहले इंसान सोचता है राइट, तो फिर अगर मान लो कि बच्चा है वो, उसका दिमाग नहीं है, तो उस टाइम वो ऐसा कुछ करता भी तो नहीं है ना। बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, बता रहा हूँ ये इन्होंने बोला है कि अल्लाह को पहले ही पता है ये काम ये करने वाला है, इसलिए वो पहले लिख रखा है, मैं वही बात हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बच्चे मतलब वो जज कैसे किया, किस बेस पे जज किया वो चीज, वही तो मतलब क्वेश्चन है, इट टू मच कॉम्प्लिकेटेड टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली ये नहीं है, बच्चा बड़ा होगा ना ऑब्वियसली, अरे तो वही तो समझ गई मैं आपका क्वेश्चन भी, वही तो लाइक दिस इज कंफ्यूजिंग टू बी ऑनेस्ट, ये अ बिट कंफ्यूजिंग है, एक तो ये वीडियो टक टक चल रही थी उसके बाद मैं इरिटेट हो रहा था, सही तो मैं आके लगे इरिटेशन होती मुझे बार-बार, डीपली समझा जाए तो मैं भी इस चीज को कुछ हद तक मानती हूं कि हां होता है ऐसे, नहीं मैं सुना तो मैंने भी ये सब कुछ तकदीर में लिखा होता पहले, बट स्टिल आई एम नॉट लाइक 100% कंसिप, लाइक मैं डॉक्टर से बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा या फिर बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रहा, बट द थिंग इज लाइक आंसर दैट आई हैव रिसीव्ड It is not clearly like you know visible मेरे लिए, ठीक है, मेरा माइंड अभी भी कंफ्यूज है। आपको एक चीज पता है, जब शायद आपको मे भी पता होगा नहीं पता होगा, बट ऐसा होता है जब इंसान मरता है, हाँ, अपने में उसको जलाते हैं ना, इस्लाम में शायद में भी दफनाते हैं ना, हमारे में जलाते हैं, जब जलाते हैं तो ये हेड होता है ना, जो हम बोलते हैं किस्मत लिखी होती है, अरे तू वैसे कुछ भी मत बोला करो, ऐसे बोलते हैं, अरे वो चीज लगा है, कुछ भी मत बोला करो, सो मानते हैं इसलिए बताया कि यहां पे कुछ लिखा है, आई अंडरस्टैंड तो क्या बोल रही है, बट इट डजंट लाइक वो लोग पागल, नहीं नहीं उसको वो मैं इसे बैक कहना चाह रही हूं कि हां उसमें मानते हैं कि ये इस किस्मत लिखी होती है यहां पे ऐसे, आई डोंट नो, सो कमेंट्स में लाइक मानने से लिखा होता है, मे बी कोई बेटर तरीके से मतलब वन वर्ड में कोई एक्सप्लेन करता है, मे बी समवन आंसर लिखे, ओके सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।